नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले डालिए नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मिशन 2019 के तहत सपा ने पूर्वांचल पर किया फोकस। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का मऊ दौरा। पृथ्वीराज चौहान जन स्वाभिमान रैली को करेंगे संबोधित। चौहान मतों को साधने की करेंगे कोशिश। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में करेंगे बैठक। बिहार के एनडीए विरोधी पार्टियों के साथ करेंगे बैठक। सीट शेयरिंग, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद की पेशी आज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लालू की पेशी। और अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर जिले में यूपी 100 की गाड़ी में तैनात दो पुलिसकर्मी जहर खुरानी का शिकार होकर बेहोश हो गए। जब उनकी ड्यूटी खत्म हुई तब उनकी तलाश शुरू की गई, जिसके बाद जीपीएस की लोकेशन पर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि ड्राइवर और कमांडर बेहोश पड़े मिले थे, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कानपुर देहात में बीजेपी जिलाध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राफेल मामले को लेकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीएम राकेश कुमार को सौंपा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा राफेल मामले को खारिज करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल घोटाले की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा की जा रही बयानबाजी हमारे देश के जवानों को कमजोर कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही करने की मांग की है। टीएम कार्यालय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य राहुल गांधी के द्वारा सम्मानित प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगाया गया। राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा अगर उसे खारिज कर दिया जाता है तो मानहानि का दावा भी होना चाहिए और ऐसे लोगों पर राजनीतिक प्रतिबंधता भी हो जानी चाहिए जो अनावश्यक जनता को गुमराह करने के लिए केवल झूठे आश्वासन देते हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी कानपुर देहात ने एक ज्ञापन के माध्यम से राजनीति में जो ओछापन है उसको कम करने के लिए शासन और प्रशासन से महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग की। और इसी बीच बड़ी खबर एटा से, जहां महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एटा से बड़ी खबर, महिला के साथ दुष्कर्म का मामला। आरोपी सिपाही को किया गया निलंबित। एसएसपी ने सिपाही को किया निलंबित। आरोपी सिपाही को हिरासत में लिया गया। शराब के नशे में धुत सिपाही ने किया था दुष्कर्म। एटा से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी सिपाही को निलंबित किया गया है। एसएसपी ने सिपाही को किया निलंबित। आरोपी सिपाही को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि शराब के नशे में धुत सिपाही ने किया था दुष्कर्म। से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और जिसमें आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि एसएसपी ने सिपाही को निलंबित किया, आरोपी सिपाही को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि शराब के नशे में धुत सिपाही ने किया था महिला से दुष्कर्म। बड़ी खबर एटा से। एक
हत्या से बड़ी खबर, महिला के साथ दुष्कर्म का मामला, जहां आरोपी सिपाही को किया गया निलंबित। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर देहात में कांग्रेस पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। न जानवरों से किसानों को निजात दिलाने से लेकर पानी, खाद, बिजली और कर्ज माफी से लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। किसानों को समस्याओं से निजात दिलाने की मांग करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को प्रशासन को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों की माने तो जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई प्रदेशों की कांग्रेस सरकारों ने किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कर्ज माफी से लेकर अनेक कार्य किए हैं, यूपी और केंद्र में भाजपा सरकार किसान विरोधी है। ना तो किसानों को पर्याप्त बिजली और पानी उपलब्ध करा पा रही है और ना ही किसानों को आवारा जानवरों से निजात दिला पा रहे हैं। वहीं किसान को कर्ज माफी के नाम पर मात्र खिलवाड़ किया गया। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किसान का कर्ज पूरा माफ कर देना चाहिए था। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करने वाले श्रद्धालु भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट दर्शन करने और मंदाकिनी स्नान करने आते हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन स्टेशन परिसर में वॉल पेंटिंग्स का काम करा रहे हैं। पेंटिंग का कार्य जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के छात्र कर रहे हैं। कला संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्रों द्वारा बुंदेलखंड की लोक कला पर बेस्ड वॉल पेंटिंग की जा रही है, जिससे चित्रकूट को सुंदर और स्वच्छ रखा जा सकेगा। और इसी बीच बड़ी खबर कौशाम्बी से, जहां रेलवे ट्रैक पर मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव। कौशाम्बी से बड़ी खबर, रेलवे ट्रैक पर मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव। व्यक्ति का क्षत विक्षत ये शव मिला। आपको रेलवे ट्रैक पर मिला ये क्षत विक्षत शव और इस युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। चरवा थाना क्षेत्र के दरियानपुर का ये मामला है, जहां रेलवे ट्रैक पर मिला एक अज्ञात युवक का शव। कौशाम्बी से बड़ी खबर, रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला शव। शत-शत शव से इलाके में सनसनी। चरवा थाना क्षेत्र के दलियानपुर का ये मामला, जहां रेलवे ट्रैक पर मिला एक अज्ञात युवक का शव। युवक का शत विषक शव मिलने से इलाके में सनसनी। आपको बता दें, रेलवे ट्रैक पर मिला इस अज्ञात व्यक्ति का शव। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इधर कानपुर में दिव्यांगों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। जेके सीमेंट की तरफ से स्वच्छ एबिलिटी रन का आयोजन 23 दिसंबर को किया जाएगा। इस बात की जानकारी जेके सीमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। संस्था की तरफ से बताया गया कि शहर के लिए ये एक यूनिक मैराथन है। शहर में पहली बार आयोजित होने जा रही मैराथन में दिव्यांगों, स्कूली बच्चों समेत 10,000 लोग शामिल होंगे। ये मैराथन जेके सीमेंट और रोटरी क्लब ऑफ कानपुर गौरव की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। इसमें कारगिल की लड़ाई में पैर गंवाने वाले मेजर डीपी सिंह भी दौड़ेंगे। मैराथन कैंट स्थित गैरिसन ग्राउंड से शुरू होकर वापस ग्राउंड में समाप्त होगी। मैराथन को दो भागों में बांटा गया है, पहली 3 किलोमीटर तथा दूसरा 5 किलोमीटर। इसमें 3 किलोमीटर मैराथन में स्कूली कक्षा के 5 से 12 तक के बच्चे भाग लेंगे, जो कि अपने स्कूली यूनिफॉर्म को पहनकर दौड़ेंगे, ताकि उनके स्कूल की उपस्थिति देखी जा सके। जबकि 5 किलोमीटर की दौड़ में पुरुष और महिला भी भाग लेंगे।
हाँ मैस्के घाट तक है और वो चली जाएगी फिर गैरिसन ग्राउंड 5 किलोमीटर का फ्लैग ऑफ नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो नाम ही एक यूनिक है स्वच्छ एबिलिटी दिव्यांग लोगों के लिए कोई भी दौड़ नहीं कराता इसलिए क्योंकि दिव्यांग लोगों के लिए रन हो रहा है इसमें उनको एक समानता का अधिकार हम दिला रहे हैं कि आप समाज से अलग नहीं हैं आप समाज के बराबर हैं अगर वो लोग दौड़ेंगे तो आम जनता उनसे मोटिवेट होगी कि इफ़ दे कैन रन व्हाई नॉट अस यहाँ पर जो है यहाँ पर 8,000 लोग आएंगे 8 से 10 हज़ार लोग इस मैराथन में भाग लेंगे जिसमें से 6 से 7 हज़ार लोग बच्चे होंगे एंड बाकी जो कानपुर की जो जनता होगी इसमें वो भाग लेगी। कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव के नतीजे देर शाम तक आ सकते हैं आ गए माफ कीजिएगा और अध्यक्ष पद के लिए श्याम जी श्रीवास्तव ने बलजीत यादव को हराकर 766 वोटों से जीत हासिल की वहीं महामंत्री पद के लिए कपिलदीप सचान राकेश तिवारी को हराकर 494 वोटों से जीत हासिल की चुनाव परिणाम आने के बाद दोनों ही समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला समर्थक ढोल ताशों के साथ डीएवी गेट पहुंच गए और फूल मालाओं के साथ अध्यक्ष और महामंत्री को बधाई दी समर्थकों का जमावड़ा लगने से वीआईपी रोड पर जाम लग गया पूर्व महामंत्री भानु प्रताप सिंह ने जीतने वाले महामंत्री और अध्यक्ष को बधाई दी है श्याम जी श्रीवास्तव को कुल 1558 वोट मिले हैं पहली चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीओपी लागू की गई थी कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ही वोटर लिस्ट में रहेगा उसके प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ने ही अपने कचहरी के अपने भाई को महामंत्री बनाया है जो प्रैक्टिसनर है जो जमीन का काम नहीं करता दलाली बट्टा नहीं करता जो प्योर प्रैक्टिसनर है इसी से ये फ़ायदा मिला है कि जो प्रैक्टिसनर ने प्रैक्टिसनर को जिताया है यही सबसे बड़ा उलटफेर है श्याम जी श्रीवास्तव प्योर प्रैक्टिसनर एडवोकेट हैं और 2 बार से चुनाव हार रहे थे बहुत सज्जन आदमी है वो चुनाव जीते हैं और महामंत्री में कपिलदीप सचान चुनाव जीते हैं सारे अधिवक्ता समाज को हर एक आम अधिवक्ता का इसका श्रेय इतनी बड़ी जीत मुझको दिलाने का उन्होंने मुझ पर विश्वास किया इतना प्यार दिया ये मेरी जीत नहीं है पूरी आम अधिवक्ताओं की जीत है जो दिन भर प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यायालय परिसर में 365 दिन 24 घंटे में 12 घंटे वहाँ देते हैं अपने परिवार के लिए अपने वादकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनकी जीत है ये कपिलदीप सचान की जीत नहीं है अब मेडिक्लेम की पॉलिसी का बहुत जल्दी आपको नए साल में एक तोहफा हम चाहते हैं कि अपने अधिवक्ता भाइयों को बुजुर्गों को देंगे कानपुर के ग्रीन पार्क में 31 दिसंबर को जिला तीरंदाजी संघ की तरफ से जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 6 से 65 वर्ष की आयु के लोग प्रतिभाग कर सकते हैं इस बात की जानकारी संस्था की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई अध्यक्ष श्रेयांश कपूर ने बताया कि हमारा उद्देश्य तीरंदाजी के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है जिसके लिए प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिला स्तरीय चैंपियनशिप के लिए सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं इसके लिए संस्था की तरफ से भी सभी स्कूलों को प्रस्ताव दिया गया है जिसमें इच्छुक छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागी को कैश प्राइज व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का मौका भी दिया जाएगा तीरंदाजी संघ की तरफ से ग्रीन पार्क में 21 तारीख को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट चैंपियनशिप होने वाली है जिसमें 6 से 65 साल के उम्र के सभी उम्र के बच्चे जेंट्स लेडीज सबका आमंत्रण है सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें इसमें स्कूली बच्चे भी होंगे बाकी सारे भी इसमें आ रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग कैश प्राइज का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं और स्पेशली जो हमारे एक गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क हर तरीके से इसका पार्टिसिपेशन होगा
ऐसा है, इस जो प्रतियोगिता आप लोग कराते हैं इससे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो स्टेट लेवल में जाते हैं, और स्टेट लेवल में जो सेलेक्ट होते हैं वो फिर नेशनल लेवल में जाते हैं, फिर उसी से जैसे अभी दीपिका कुमारी जी ने अवार्ड पाया, इसी तरह से हम लोग चाह रहे हैं कानपुर से भी लोग अवार्ड पाएँ, गोल्ड अवार्ड पाएँ, जिससे कि बच्चों का भविष्य अच्छा बने। और चूँकि ये इंडिविजुअल गेम है इसमें ज़्यादा बच्चों को बढ़ने की संभावना है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। टू और थ्री की अपार सफलता के बाद एक बार फिर से मर्तोलिया बिल्डर्स लेकर आए हैं इंदिरा गांधी प्लॉट योजना। 100 वर्ग गज का प्लॉट पाए मात्र 2,45,000 रुपए में, आसान किश्तों में उपलब्ध, हमसे सस्ता कोई नहीं। मर्तोलिया बिल्डर्स का सपना अब घर हो अपना। शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। गॉसिप्स के गलियारों का हाल, फिल्मी सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी सिर्फ खबर फिल्मी पर। देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। वो कुछ भी करें आपकी परेशानी का होगा हल, बड़ा से बड़ा अपराध करें हम उठाएंगे आपकी आवाज, और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी, ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश। स्वागत है। और इसी बीच बड़ी खबर फतेहपुर से, जहां कार सवार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार हुआ घायल। फतेहपुर से खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कार की टक्कर से बाइक सवार हुआ घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल भर्ती। कोतवाली बिंदी क्षेत्र के भवानीपुर गांव का यह मामला। फतेहपुर से खबर, कार की टक्कर से बाइक सवार हुआ घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल किया गया रेफर। कोतवाली बिंदी क्षेत्र के भवानीपुर गांव का यह मामला। फतेहपुर से खबर, कार की टक्कर से बाइक सवार हुआ घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर। कोतवाली बिंदी क्षेत्र के भवानीपुर गांव का यह मामला।
कार की टक्कर से बाइक सवार हुआ घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल किया गया रेफर। कोतवाली बिंदकी क्षेत्र के भवानीपुर गांव का ये मामला। और इसी बीच कानपुर के जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत फुल एक्शन में नजर आए। जिला अधिकारी ने अचानक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में छापेमारी की। जिलाधिकारी को देखकर बीएसए और विभागीय अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। जिलाधिकारी ने सबसे पहले ऑनलाइन आने वाली शिकायतों और स्कूलों की लिस्टों को खंगालना शुरू किया और मगर कंप्यूटर के पासवर्ड लगे होने के चलते उन्हें काफी देर तक बैठकर खुले में इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद डीएम फाइलों को देखने पहुंचे जहां उनको अनगिनत खामियां मिली। उन्होंने सबसे पहले मिड डे मील रजिस्टर, पेंशन रजिस्टर, स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदनों की फाइल देखी और वहां के कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई और कागजों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। वहीं बीएसए कार्यालय में 4 वर्षों से जमे लिपिक को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं स्कूलों की मान्यता वाली फाइलों को रख रखाव के लिए सुधार के निर्देश दिए। आता है तो हम हर मतलब कभी कभी किसी दफ्तर का औचक निरीक्षण करते रहते हैं, तो उसमें कोई जरूरत की बात नहीं। ये हमारा मतलब एक तरह से दायित्व है औचक निरीक्षण करते रहते जो है। जिस तरह से पत्रावलियों का रखरखाव और जिस तरह का और अच्छा होना चाहिए था, तो वो थोड़ा और अच्छा मतलब पत्रावलियों का रखरखाव होना चाहिए था। और बाकी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, साफ़ सफाई और सब चीज़ तो आपने अपने कार्यालय में अपनी अच्छी रख रखी है, बट लेकिन जो दो मुख्य चीज़ें थी कि जो आपका जो यहाँ पर लिपिक संपर्क हैं उनका ट्रांसफर्स जो इनके अभी आदेश आए हुए हैं जिस समय तक हो जाना चाहिए था वो नहीं है। कानपुर के कर्नलगंज तिकोनिया पार्क से जुलूस से गौसिया निकाला गया। जुलूस तिकोनिया पार्क से उठकर शहर के अलग अलग मुस्लिम क्षेत्रों से गुजरा और गौसिया ए आजम के नारे लगाए गए। इस बीच जुलूस का जगह जगह मंच लगाकर इस्तकबाल भी किया गया। जुलूस में सैकड़ों अंजुमनों ने शिरकत की। इस जुलूस का मकसद आवाम में गौसिया ए आजम के पैगाम को आम करना है। ये जुलूस तकरीबन 100 से ज्यादा साल पुराना है। इसे मुसलसल शहर से निकाला जाता है। एटा में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि सहायक वाणिज्य कर आयुक्त पर खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला किया। हम आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली देहात के क्षेत्र के आगरा रोड पर जावड़ा पुल के पास का है, जहां सहायक वाणिज्य कर आयुक्त अपने स्टाफ के साथ चेकिंग कर रहे थे। तभी सहायक वाणिज्य कर आयुक्त ने ओवरलोडेड चंबल गिट्टी से भरे 2 वाहनों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हथियारों से लैस खनन माफियाओं ने अपने साथियों के साथ उन पर जानलेवा हमला किया। अरुण सिंह ने अपने कर्मचारियों के साथ किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस में केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस खनन माफियाओं की तलाश में जुटी हुई है। कानपुर के लाजपत भवन में स्कॉलर्स प्लेवेज इंटर कॉलेज की तरफ से वयोवृद्ध उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों के दादा दादी को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर दर्शकों की तालियां बटोरी। कार्यक्रम आयोजक सुशील कुमार ने बताया कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को उनके दादा दादी का महत्व बताना है।
समाज में जिस तरह से न्यूट्रल फैमिली का चलन है उससे बच्चे बुजुर्गों से दूर होते नजर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम उन बच्चों को अपने बुजुर्गों की अहमियत बताएगा। इस मौके पर बच्चों के दादा दादी को सम्मानित भी किया गया। बच्चों का एनुअल फंक्शन है जिसमें मेन हमारा जो है बच्चों के दादा दादी को सम्मान करना है, जो आज के समय में हमारे छोटे नन्हे मुन्ने अपने दादा दादी को पहचानते नहीं हैं, उनको याद दिलाने के लिए और उनके सम्मान के लिए प्रोग्राम रखा गया। इसके अलावा तो छोटे छोटे बच्चों के डांस हैं जिसमें बच्चों ने अपने दादा दादी के प्रति दिखाया है कि हमको हमारे मम्मी पापा को दादा दादी को कैसे रखना चाहिए कैसे नहीं रखना चाहिए। उद्देश्य यही है इसका कि जो आजकल हमारे दादा दादी या नाना नानी छूट रहे हैं उनको एक साथ मिला के चलना। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से, जहां कानपुर बार एसोसिएशन के अन्य पदों के नतीजे आज। बड़ी खबर कानपुर से, कानपुर बार एसोसिएशन के अन्य पदों के नतीजे आज। उपाध्यक्ष और मंत्री पदों के आज आएंगे परिणाम। डीएवी कॉलेज पहुंचे एडल्ट कमेटी के अधिकारी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बड़ी खबर कानपुर से, कानपुर बार एसोसिएशन के अन्य पदों के नतीजे आए आज। उपाध्यक्ष और मंत्री पदों के आज आएंगे परिणाम। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अमन तिवारी हमसे जुड़ चुके हैं। जी अमन, जानना चाहूंगी जिस तरह से आज अन्य पदों के नतीजे आ रहे हैं तो क्या कुछ स्थिति है वहां, सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव के जो परिणाम है, जो अन्य पदों के जो परिणाम है वो आज शाम तक आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, मंत्री और उपाध्यक्ष के पदों के आज जो है परिणाम आने। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, 2 कंपनी PAC, 2 CO और कई थानों का फोर्स जो है वहां पर तैनात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको बता दें कि बड़ी खबर कानपुर से दे रहे हैं, जहां पर कानपुर बार एसोसिएशन के अन्य पदों के नतीजे आ जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपाध्यक्ष और मंत्री पदों के आज आएंगे परिणाम। डीएवी कॉलेज पहुंचे एल्डर्स कमेटी के सदस्य। बड़ी खबर कानपुर से। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। रहे हैं जी एम